हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। गाइस, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मेरी स्टूडेंट आने वाली हैं और अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, अपने सेंटर पे हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ हर दिन उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें। दोस्तों, वीडियो डालने का मोटिव बस यही रहता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि इंडिया से बाहर भी हैं, उन लोगों को इंतज़ार होता है कि वीडियो कब आएगी और कब हम कुछ नया सीखेंगे। सो गाइस, अगर आपको और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। और एक मेरा चैनल है, सेकेंड चैनल, कार नॉलेज बाय राहुल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मुझे FB भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कार में गियर क्या होता है और कब कब कौन कौन सा गियर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा गियर कब इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। किस गियर की क्या स्पीड होती है, ओवर स्पीड में गियर लगाने से क्या नुकसान हो सकता है, किन गलतियों से हमारी कार की क्लच प्लेटें खराब हो जाती हैं, किन गलतियों से हमारे कार के गियर बक्से में प्ले हो जाता है, गियर बक्सा डैमेज हो जाता है, गियर अपने आप न्यूट्रल हो जाता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कार के गियर के बारे में। ये होता है गियर लीवर, इसको बोलते हैं गियर लीवर, जिससे कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, छह गियर है रिवर्स मिला के। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि कैपेसिटी की बात कर लें, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, आपको फर्स्ट गियर का काम होता है इंजन को मूव करना। स्टार्टिंग में जब आप इंजन ऑन करोगे, क्लच दबा के, सबसे ताकतवर गियर होता है फर्स्ट। अगर कहीं आप कीचड़ में फंस गए तो फर्स्ट गियर में गाड़ी निकलेगी या बैक गियर में, या कोई पत्थर आ गया टायर के नीचे तो फर्स्ट गियर या बैक गियर में गाड़ी जाएगी। सबसे ताकतवर गियर फर्स्ट और बैक गियर होता है। तो दोस्तों, जब भी हमको कार को ज़्यादा ताकत चाहिए होती तो फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 0 to 10, और ऐसा नहीं कि 10 की स्पीड से ज़्यादा फर्स्ट गियर में नहीं चला सकते, चला सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट गियर में हम ज़्यादा स्पीड करते हैं, अगर 20-30, तो इंजन वाइब्रेट करता है। जैसे कैपेसिटी है कि मतलब किसी बंदे की 50 किलो वेट उठाने की कैपेसिटी है और उस पर आपने 1 क्विंटल रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है कि हमें गियर के हिसाब से सारी चीज़ें करनी। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20, और सेकंड गियर की 20 to 30, और थर्ड गियर की 30 to 40, और फोर्थ गियर की 40 to 60, और फिफ्थ गियर 60+, और बैक गियर का भी 10 to 20 होता है। तो दोस्तों, उसमें हमको करना क्या है कि अपनी कार को गियर के टाइम कैसे कैसे चीज़ों को समझना है और समझाना है। सो गाइस, ये है गियर लीवर। गियर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है क्लच की, और क्लच को कब और क्यों, मॉर्निंग, क्लच को कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्लच को जब भी इस्तेमाल करना है, गियर को आपको जब भी लगाना है तो क्लच का यूज़ करेंगे, बिना क्लच के आप गियर नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मेरी स्टूडेंट आ चुकी हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, कल तो आप छा गई उस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, जिन लोगों ने मुझे ऐसे बहुत अच्छा कल आपने बैक किया है, कल मैंने उस वीडियो को बहुत बारीकी से देखा था, बहुत अच्छा बैक किया आपने। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आप तो पहचान गए होंगे चेहरा देख के। चलो, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरा बताइए आप लोग कैसे हैं, हम तो बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मैडम आ चुकी हैं और बस अब सर लेफ्ट साइड वाला बचा है। हाँ बस, आप अपना शीशा एडजस्ट कर लीजिए, लेफ्ट साइड का खतरा। गुड, स्टार्ट करो सर।
जैसा सही लगे आपको। अगर आप पूरा क्लच नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी कार की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। सेकंड चीज़, आपकी कार के गियर बॉक्स में प्ले आ जाएगा, जैसे कि अभी ये फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, और अगर आप हाफ क्लच पे गियर चेंज करते हैं या बिना क्लच के तो क्या होगा, अपने आप चलते चलते ऑटोमेटिक ये गियर न्यूट्रल हो जाएगा, सेकेंड गियर कर लो न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आप क्लच यूज़ नहीं करते या गियर बॉक्स में जब उसकी गराड़ियाँ कट जाती हैं तो अपने आप चलते चलते गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। अक्सर इससे पहले मेरे पास जो जेन है उसमें एक दो बार ऐसा हुआ है, क्योंकि गियर बॉक्स रिपेयर नहीं हो पाता है, उसमें इतने सारे छर्रे इतनी गराड़ियाँ होती ना कि वो सक्सेस नहीं होता, तो उसको फिर आपको चेंज ही कराना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली आता है। तो जब भी आप गियर चेंज करें तो सबसे पहली चीज़ है क्लच को 100% दबाना है, और सेकेंड चीज़ है गियर की डायरेक्शन को समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी गियर में से कहीं भी गियर लगाने लगते हैं स्पीड का, तो वो चीज़ नहीं करना है। जैसे कि जिस डायरेक्शन में गियर को लेके जाना है, पहले आप उस डायरेक्शन में गियर को ले जाएं, फिर उसके बाद आप गियर को चाहे लेफ़्ट खींचें चाहे राइट खींचें। ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना तो क्लच प्लेटें ख़राब होंगी ना ही गियर बक्से में कोई दिक्कत आएगी। और क्लच का अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप गियर की प्रैक्टिस भी करते हैं खड़ी गाड़ी पे, तो क्लच कंपलसरी है, चाहे इंजन ऑन हो चाहे ऑफ हो। बिना क्लच के अगर आप गियर को लगाते हैं या निकालते हैं तो गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, गियर फंस सकता है। तो अभी हम लोग रोड पे निकल चुके हैं और ओवर स्पीड हो रही है मैम, 40 प्लस आप निकल गई हैं और आप सेकंड गियर में हैं। तेज चलाना कोई कला नहीं है, आप 30 जैसे क्रॉस करेंगे आपको थर्ड गियर डालना है। अभी आप सेकंड गियर में, तो आपको 40 जाने की ज़रूरत नहीं है। गियर चेंज कर ले सर। हाँ, थर्ड गियर डालिए आप। राइट वाला लेग आपका ब्रेक पर नहीं आया, गियर चेंज करते टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आना कंपलसरी होता है। और डिपर का यूज़ नहीं कर दिया आप, अभी सामने वैगनार वाला भिड़ाने की कंडीशन में था, आपने डिपर का यूज़ किया नहीं किया। ये छोटी छोटी बारीकियाँ तो मेन होती हैं। यहाँ पे चौराहा है, बहुत स्लो करके चारों तरफ नज़र डाल के कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है, और पहले से आपको अलर्ट हो जाना है। देखो 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 देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि पासिंग डिपर वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आप डिपर दिया तो, अरे तो मुझे भी देना है। नहीं, आपको नहीं देना है। नहीं, इसका नहीं पता सर, अगर सामने वाले ने जैसे आपको इतने दिन चलाते हो गए हैं, डिपर दिया जब वो गलत आ रहा था, वो पूरा गाड़ी गलत लेके आ रहा था, बीचों बीच रोड में लेके आ रहा था, तो जब आप नहीं दोगे वो तो देगा ही देगा भाई, सीधी सी बात है। आप टाइम पे कर नहीं पा रहे हो उन चीजों को, आपको बिफोर प्लान करना है ना। ठीक ये सिंगल लोड है, ताकि डिपर का मतलब ये होता है सामने वाले को हम अलर्ट करते हैं, हमको पास चाहिए, गलत अगर वो सामने वाला आ रहा है। अब छोटा सा रोड अगर है उसमें बड़ी गाड़ी कैसे निकलेंगी, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को। स्लो गियर डाउन करो, हमेशा थर्ड गियर में थोड़ी चलना है, यहाँ पे सीधा जाना है। दो तीन जगह आपको यहाँ पे गियर चेंज करने की ज़रूरत थी, दो तीन पॉइंट पे आपको गियर चेंज करना था, बट आपने चेंज नहीं किया। इसमें छोटी छोटी चीज़ें तो करनी है, गाड़ी चलानी तो आपको आ गई है, लेकिन अभी उसके फंक्शन को टाइमली कहाँ पे किस चीज़ को आपको ऑपरेट करना, वो चीज़ भी तो आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, पासिंग डिपर बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल रोड के लिए। अगर सामने से कोई भी गाड़ी आ रही है उसको अलर्ट करने के लिए होता है, जैसे कि आप किसी को हॉर्न बजा के उसको अलर्ट करते हो, वैसे सामने वाले के लिए पासिंग डिपर इंपॉर्टेंट होता है। हॉर्न ना बजा के आप पासिंग डिपर से उसको अलर्ट कर सकते हो, और वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अभी आपने पासिंग डिपर दिया तो इंडिकेटर आपका जल गया था, नहीं वो नहीं होना चाहिए ना, उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे। भाई देना था पासिंग डिपर, आपने दे दिया सिग्नल, तो वो पीछे वाले को तो लगेगा ना कि आप टर्न करोगे लेफ्ट या राइट जाओगे, जिस साइड का भी सिग्नल हो गया तो वहाँ पर फिर गलत होगा। तो जो चीज़ करना है उसको बहुत ध्यान से सोच के समझ के तब करिए, क्योंकि आप ऑन द वे चल रही हैं, रोड पर चल रही हैं, फिर उसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। गलती चाहे जिसकी हो, नुकसान दोनों का होगा।
अब देखो आपको इसको हॉर्न देना चाहिए था, स्कूटी वाले को दिया ही नहीं आपने। एक बार दिया तो था। नहीं, इसको कहाँ दिया आपने? आपकी नजर ही नहीं थी, वो सामने गली से निकल के आ गया। आपकी नजर थी? नहीं थी। नहीं। आपने देखा ही नहीं उसको कि वो गली से निकल के आ रहा है। 100 मीटर बिफोर सारा नजरों का खेल होता है। अच्छा चालक कौन होता है? जिसकी नजर एकदम पैनी हो, 50 से 100 मीटर 200 मीटर को स्कैन करता हुआ चले कि लेफ्ट से कौन आ रहा, राइट से कौन आ रहा। जो चीज़ हमको दिख रहा है वो तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जिन गलियों में कोई भी कहीं से भी निकल के आ सकता है। बीच बीच में जैसे आपको लगे कि यहाँ पे स्पीड मेंटेन, अब जैसे ये बंदा जा रहा है, अब आपकी ड्यूटी है कि इसको लॉन्ग हॉर्न पुश करके इसको अलर्ट करो। अभी वो जरा सा भी लहरा जाएगा इधर उधर, नुकसान किसका होगा? मतलब उसका ज़्यादा गलती किसकी मानी जाएगी? बड़ी गाड़ी की। जितनी बड़ी गाड़ी होती उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती, इस बाइक वाले से 10 गुना आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा भी होता कि एक बार आपने हॉर्न दिया, अगले बंदे ने नहीं ध्यान दिया, दोबारा दीजिए, नहीं ध्यान दिया तीसरी बार दीजिए। पासिंग डिपर पे भी सामने वाले की, ड्राइवर की नज़र है कहाँ, ये चीज़ें होती। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने सिग्नल नहीं दिया, फिर भी हमें पता चल जाता है कि वो लेफ्ट टर्न करेगा, राइट करेगा, उसकी गाड़ी की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि वो करने वाला क्या है। तो ये चीज़ें चला चला के समझ में आएगा। लेफ्ट और जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगी, जितना ज़्यादा कहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए, दुर्घटना घटेगी नहीं, सीधी सी बात है। राइट जाना, जब आप अलर्ट रहोगे तो कभी भी कोई दिक्कत, सामने वाला कैसे भी चलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम एकदम अलर्ट रहते हैं। चारों तरफ आपकी नज़र रहनी चाहिए, आपके लेफ्ट में कौन जा रहा है, गाड़ी जरा सा भी लहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो आपने राइट वाले को देखा ही नहीं, दबा दिया रख के। क्या मैडम, अरे तो एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को आप दबा देंगी, गलत बात है ना। राइट में स्कूटी लेके अंकल निकल रहे थे, घूर भी रहे थे जिस तरीके से आपने काटा था। आपके पास लेफ्ट और राइट साइड मिरर है ना, तो दोनों तरफ देखो आप। मैंने क्या कहा, आपकी 4 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं, वो भिड़ जाता भी स्कूटी वाला जो राइट में आपके था, यहाँ से लेफ्ट जाना है तो भाई सीधी सीधी गाड़ी रोको ना, पूरा क्लच ले, यहीं से लेफ्ट जाना है। मतलब दाएं बाएं काटने की जरूरत क्या आपको भाई, सीधी सीधी गाड़ी रोक लो। अगर आपको लग रहा है लेफ्ट राइट से दोनों साइड से कोई आ रहा है तो गाड़ी सीधी सीधी रोकी जाती ना, दाएं बाएं काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप दाएं बाएं काटोगे तो आपकी गलती मानी जाएगी ना भाई, जिम्मेदारी आपकी है, आप बिना राइट देखे कैसे काट दोगे, वहाँ पे गलती आपकी थी। अगर आपने लेफ्ट देखा, लेफ्ट वो दबा रहा था, तो गलती वहाँ आपकी क्या थी, क्योंकि आपने दूर से प्लान नहीं किया। ड्राइविंग में कम से कम 100 मीटर पहले सोचना पड़ता है, आप उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं फिर सोचते हैं। अगर हम पहले से देख रहे हैं कि सामने कोई गाड़ी जा रही है, अब हमने राइट में देख लिया कि राइट वाला पीछे आ रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है और सामने वाले की क्या, तो कभी भी ये गलती नहीं होगी। अब आप अचानक दौड़ाई जा रही थी, वहाँ देखा ई रिक्शे वाला था, एकदम से राइट काट दिया, यही तो किया ना। इसमें जितनी दूर आप देख सकते हो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए हमने तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आप कितना उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना भैया गारंटी है, तो गारंटी तो खुद की भी नहीं होती है। सही बात है सर। जैसे कल हमारे पास एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि भैया पक्का सिखा देंगे ना, हमने कहा स्टाम्प पेपर लिया ना 1000 रुपये का, लिख के दे देंगे उस पर, क्या बताएं, क्योंकि इसमें आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप सीरियस होगे, जितना ज़्यादा वीडियोस देखोगे, जितना ज़्यादा चलाओगे, उतनी बारीकियाँ समझ में आ जाएंगी। जहाँ से राइट, नज़र आपकी ऐसे चलनी चाहिए जैसे कि आपकी नज़रों से कुछ बचे ना, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, छोटी छोटी चीज़ें। अपना लेफ्ट दबा के काटना है, हाँ ये अभी भी राइट ही गई गाड़ी आपकी, देखो लेफ्ट में इतना स्पेस छोड़ दिया आपने। इस गाड़ी को इंची टेप लेके नाप लो, अपने माइंड में बिठा लो कि 1 इंच ना आगे ना पीछे, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। कौन
गाड़ी का पूरा जजमेंट आपको होना चाहिए कि बोनट कितना है, अगला टायर कहाँ निकलेगा, पिछला टायर कहाँ निकलेगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।